हमारे करतूतों को आप देखे तो एक सांस उठने के काबिल नहीं। अल्लाह हमने अपने आप को नुकसानों में डाला, तेरी दान को छोड़कर नफ्स के पीछे चले, शैतान की बात मानी। अल्लाह बातिल वालों ने भी हमारे चले चारों तरफ से घेर लिया और अल्लाह ख्वाहिशात और नाफरमानी वाले हालात हमें इसमें बता दिया। अल्लाह पिछले जुर्मे अजीम को माफ फरमा दे। अल्लाह हमारे गुनाह आपकी कुदरत के सामने कुछ नहीं, लेकिन एक गुनाह भी हमारे लिए हलाकत का सबब बन सकता है। और अल्लाह इसी गुनाहों की वजह से, इस मेहनत को छोड़ने की वजह से ईमान वाला होते हुए भी अमन नसीब नहीं। अल्लाह दिलों में इत्मीनान का नाम नहीं, जिंदगी वीरान है, दुनिया में बहुत दौड़ लगा ली, हर दरवाजे से हम चुपराए जा चुके, तेरे दरवाजे के अलावा कोई दरवाजा नहीं। अल्लाह तेरे दरवाजे पर आए, अल्लाह अगर आज तुझे ठुकरा दिया तो कौन हमारे सुनने वाला है? आप तो हर एक की सुनते हैं। अल्लाह इतना बड़ा मजमा आपसे माफी का बसवासगार है। अल्लाह हमारे दिलों को पाक फरमा, हमारी नजरों को पाक फरमा, हमारी जुबानों को पाक फरमा, अल्लाह हमारे जिस्मों को पाक फरमा दे। अल्लाह हमने मस्जिदों को खाली छोड़ा हुआ है, तेरे ये रास्ते चलने वाले दीन के लिए चलने वालों से महरूम है, ये फिजाएं गुनाहों से भरी हुई है, हमारी जेबों में हराम पहुंच चुका है। अल्लाह हम हलाक हो रहे हैं, तेरे अलावा बचाने वाला कोई नहीं। पूरी इंसानियत के लिए हिदायत की भीख मांगते हैं, तेरे हबीब की पूरी उम्मत के लिए कबूलियत की भीख मांगते हैं। सत्तार है, सत्तारी का मामला फरमा, आप गफ्फार है, गफ्फारी का मामला फरमा, आप माफ करने वाले हैं, माफ फरमा, आने वालों को कबूल फरमा, ऐसा निकलने वालों को कबूल फरमा, जिनको छोड़कर निकले हैं उनको कबूल फरमा। आप तो मुर्दा जमीनों को आबाद करते हैं, हमारे मुर्दा दिलों को जिंदा फरमा दे, हमारे जमीनों को एहसास दे दे, हमारी अल्लाह हमारी पूंजी को हम पर लौटा दे, अल्लाह फिर से वो मेहनत हमें अता फरमा दे, तमाम इंसानियत की क़यादत हमें अता फरमा दे, कदम कदम पर हमारी रहबरी रहनुमाई फरमा, अल्लाह निकलने वालों की तरबियत फरमा, जहाँ जहाँ ये चल रहे हैं इनके जरिए हिदायत की फिजाओं को आम फरमा, अल्लाह नजर बच से इनको बचा ले, हासिदीन के हसद से बचा ले, शैतान और नस के शर से बचा ले, दुश्मनों की तदबीरों से बचा ले, अल्लाह दुश्मनों को भी हिदायत अता फरमा, वरना वो हलाक हो जाएंगे। अल्लाह जिनके मुकद्दर में हिदायत नहीं, चुन चुन कर उनको हलाक फरमा, रुए जमीन को उनके शर से पाक फरमा, अपनी इंसानियत को उनके शर से बचा ले, उम्मत को उनके तदबीरों से हिफाजत फरमा। अल्लाह अब तो फजल वाला मामला फरमा दे। अल्लाह हमारे दीनी मदारिस, पुराने मकातिब, अल्लाह तबलीगी मराकिब और दीनी इदारे और अल्लाह जो सही मुंतबा और साफ दिल वाले लोग हैं, अल्लाह सब की हिफाजत फरमा, सब जगहों को ईमान के नूर से मुनव्वर फरमा, सब के हाजात को अपने फजल से पूरा फरमा। अल्लाह हमारे बीमारों को